हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे। अच्छा बस बस, अच्छा लियो गंदी बात नहीं करते, सुन तो सही, बात तो सुन 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 सुन। आजा वॉक पे चलते हैं, आजा आजा आजा। अच्छा अच्छा वहाँ पे दबाऊंगी टांगे, पहले थोड़ी वॉक करनी पड़ी, ऐसे थोड़ी होता कि पहले ही टांगे दबा दो। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और जैसी लियो ने मुझे देखा कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, उछलता हुआ मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि इसको ये था कि मैं इसकी टांगे अच्छे से दबा दूँ। मैंने कहा पहले थोड़ी सी वॉक कर, उसके बाद टांगे दबाऊंगी। आजा लियो, आजा आजा आजा। सो अभी मैं जैसी सो के उठी, मुझे ये था कि थोड़ा बहुत घूम के आती हूँ, क्योंकि इतना अब मैं बोलूंगी ना तो आपको लगेगा ऐसी बोल रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पीसफुल, शांत और ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा वो बड़ा वाला फ्लावर, इस साइड को मुड़ चुका है वो। ये देखो आप कितना बड़ा था ये। आज ना मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ। अच्छा दे टांग की जाता है। तो अभी ना मैं वॉक के लिए बगीचे में ही आ गई हूँ, और लियो पता क्या कर रहा है कि पहले दौड़ के आके जाएगा, फिर मेरा वेट करेगा और पहले देखेगा कि आगे कुछ है तो नहीं है, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा भी हिलता हुआ कुछ दिखेगा तो एकदम से इतना चौकस हो जाता है कि फटाफट आगे जाएगा, देखेगा और फिर उसके बाद मेरा वेट करेगा जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी। अभी देखो वहां पे वो देखा, जब वहाँ मैं पहुँच जाऊँगी फिर उसके बाद वो आगे भाग जाएगा। पता नहीं क्या मस्ती चाहिए उसको सुबह सुबह। तो यस, जो अभी मैं वॉक पे भी आई हूँ ना, मैं ऐसी उठी, मेरा मन किया कि बाहर चली जाती हूँ और आ गई, और मैंने घर पे भी नहीं बताया किसी को कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। तो जब लोग सुबह उठेंगे सोचेंगे गायब कहाँ हो गई सुबह सुबह, सो इसलिए मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी वॉक पे, बट यस थोड़ी आगे से वापस मुड़ जाऊँगी। पर ये लियो पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा मुझे, रुक ही नहीं रहा है। रुक लियो, देखो आओ, ये देखो ये देखो, बस मैं पहुंची और भाग जाता है। ऐसे करते हैं अब, लियो के साथ गुगली खेलती हूँ मैं और यहीं से वापस मुड़ जाती हूँ। लियो बाय, लियो ओ लियो, लियो बाय। मैं जा रही हूँ घर वापस, लियो तो पता नहीं कहाँ चला गया। और ये थी घास की टोली, जिसको मतलब जो घास होता है ना उसको पाइल अप करके रखते हैं ऐसे, ताकि हमारी गाय भैंसों के लिए खाना बना रहे। बट ये वाली टोली तो बहुत छोटी है ना, वैसे तो बड़ी बड़ी टोलियाँ होती है, यहाँ से आगे से यूज़ कर ली इससे ऐसी है। और जैसे जैसे मैं वापस जा रही हूँ ना, इतने सारे ऐसे जाले जैसे बीच में तो मेरे मुँह में फंस रहे, इसलिए बार बार मैं हाथ लगा रही हूँ। और अभी मैं घर जाती हूँ, गर्मा गर्म पानी पीती हूँ, आई मीन उतना गर्म भी नहीं बट हाँ थोड़ा गर्म। और चलो जी, मैं वैसे वॉक करती करती ना इतनी दूर आ गई थी, और मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि यहाँ से मैं कोई भी सब्जी उठा के ले जा सकती थी। अब जब घर के पास पहुँच गई तो मुझे याद आ रहा है यार सब्जी ले जाती, कल रजत और मम्मी बात कर ही रहे थे। बट अब मैं वापस नहीं जाने वाली, अब मैं घर ही जाऊँगी। जो तो ऐसी सब्जी होती है जैसे भिंडी हो गई या लौकी हो गई, ये सब तो घर के पास ही लगा है, बट जैसे रजत को खानी है ना हरी हरी सब्जी, ये देखो वो सब थोड़ा सा दूर है, क्योंकि रजत को हरी साग चाहिए होती है और वैरायटी वाली चाहिए होती है, तो उसके लिए थोड़ा आगे जाना पड़ता है। बट अभी घर चलते हैं, जब मम्मी और रजत के साथ में वो लेके आएंगे, क्योंकि मुझे तो कई बार धोखा ऐसा भी लगता है हरी साग के साथ साथ मैं घास भी ले आती हूँ, इसलिए मुझे तो लाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा ही हुआ कि मैं भूल गई थी। तो ये है माश की स्टफिंग और ये है मेरी मम्मी जो मानते हैं। हाँ तो मम्मी क्या बना रहे हो बताओगे आप? रजत की मुझे लगा जब तक मैं वापस आऊंगी तो भूख लग जाएगी। अच्छा जी, ऊपर क्यों आया है? खेत में तो मुझे छोड़ के चला गया था, अब ऊपर मैं नहीं करूंगी तुझसे बात। नो नो, नीचे चल। हाँ जी, मैंने नहीं छोड़ा, ये मेरे को छोड़ के गया था, चल नीचे। वेरी गुड, मेरा बच्चा आज तो बिना बोले बैठ गया। रुक जा, मैं एक एक करके धुपती हूँ। शाबाश,
तो मैं लियो को रोटी दे के आ गई और मम्मी को किचन से बाहर कर दिया है। और जो ये हम रोटी की बात कर रहे थे ना, तो इसके लिए जो आटा होता है ये ओवरनाइट फर्मेंट करता है। कैसे कि जब आप आटा गूंथते हो ना, उस टाइम पे आप इसमें ईस्ट डालोगे और एक रात के लिए इसको रखना होता है। तो हमने इसको कल रख लिया था, तो आज के लिए रेडी हो गया है। और ये है साथ में माश की नमकीन स्टफिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो माश होते हैं इसको भी आप ओवरनाइट धुले माश, हाँ धुली उड़द, इसको आप भिगो के रखते हैं, फिर अगली सुबह आप इसको दर दरा से ग्राइंड करेंगे। वैसे तो पहले के टाइम पे सिल्ली बट्टे पे पीसते थे ना, वो सबसे टेस्टी बनता था। फिर उसके बाद आप इसको स्टीम करेंगे और बस फिर आई गेस 15 मिनट स्टीम करना होता है, फिर ये ऐसा बन जाता है। प्याज टमाटर वगैरह डाल के, प्याज टमाटर नहीं, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, प्याज हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ये रेडी है। और हमारी रोटी भी रेडी है। तो आप चाहे तो इसको रोटी की तरह भी खा सकते हैं, कुछ लोग मेरी तरह जिन जो बिल्कुल डाइट कॉन्शियस है वो उसका पराठा बना के भी खा सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा के खाती हूँ, तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। सो जी हाँ, ये है हमारी माश की रोटी। अच्छा जी, अच्छा एलो जी, हमारी राजमा तैयार होगी, पता नहीं कैसी बनी होगी। बढ़िया लग रही है। थोड़ा पानी डालती हूँ इसमें, पापा को गाढ़ी गाढ़ी दाल पसंद नहीं आती है। पापा को ऐसे ही, पापा को चाहिए लंबी दाल। अच्छा ठीक है, हाँ पहले पर पापा तो अलग से पानी डाल सकते हैं, उनको इतना है लंबी दाल, लंबी दाल, लंबी दाल का शौक है पापा को। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि दादी को मेरे हाथों की चाय तो जरूर पीनी होती है। कहते थोड़ी सी पीऊंगी, अभी ब्रेकफास्ट में भी पी दादी ने चाय, बट अभी बोलते थोड़ी सी तू भी बनाई लेगा, चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। सो दादी के साथ साथ मैं भी पीने वाली हूँ चाय। और रजत तो देखो बिल्कुल नहीं पीता है, बस मेरे कप से एक ले ले, वो अलग बात है, वो तो मेरा धर्म है। चाय सिर पर टोपी लाल हाथ में है, चाय लीजिए, सिर पर टोपी, चाय के साथ क्या लेंगे, रेशम का रुमाल, गाना गाना तेरी चाय और तेरा कमाल, तो वो कैसी बनाई तेने, चाय कैसा होगा क्या दादी होगा? आपने एक चीज बतानी है, चाय पियो और बताओ मैंने बनाई है कि रजत ने बनाई है। मान जाऊंगा दादी, चाय तेने बनाई दी रजत ने, बिना तो यही बता दिया है। कैसी है दादी चाय, पीने तो दो, बहुत अच्छी बेटा है ना, प्यार से चाय, कड़वा भी हो। मैं तो गुस्से से बनाई है, पर गुस्सा मैंने देखा तेरा, मेरे को तो चाय मिल गई। ऐसा ना, हाँ जी, क्या है ये, क्या है माश की रोटी, दादी खुद ही खाती, देखो आपको खाना भी नहीं दिया ना, कितना बुरा टाइम आ गया। नो, खुद ही खा रही है, भर के थाली रोटी ले रही है, भर के देखो प्याला भी पी रही है चाय का, और आपको दिया इतना सा ऐसे छोटा सा, ये तो सुना होगा, दया धर्म का मोल है, खत्म है दादी सब खत्म, दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण, जैसी पीड़ा अपनी प्यारे ऐसी भगानी जा। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया बेटा है ना, हमने पहले कर दिया, तुम उठे हुए थे अपने काम से, फिर हमने खा पी के हम फ्री हो गए चाय। अब मैंने सोचा मैं कि अपने लिए बना ले, मेरे को रखने में का थोड़ा ऐसा नहीं था, पहले चाय ना खत्म हो गई थी। अच्छा हाँ, और मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने चाय बना दी है, वरना तो मैंने खुद बनानी थी आपको, और इसके लिए चाय नहीं बची थी, तब इसने सोचा जब मैं खुद के लिए बना रही हूँ तो दादी को पिला ही देते हैं। ठीक है, तो हरी को रहे हो रही है इतनी है इसमें, मैंने भी मैं पहले भी नहीं, मैं तो दादी ऐसे पीता हूँ इसके, बस ताकि प्यार बढ़ता रहे ऐसे, मतलब जूठा पी के। चाय सबसे बढ़िया क्यों है, हर चीज़ों के लिए। और जो चाय नहीं पीता है वो दादी की नजरों में इंसान ही सही नहीं है। सुना सुना मैंने एक लड़के को बीमारी लगी ना, यहाँ गोडे में या क्या नाम कीड़ा घुस गया ना। अच्छा, तो उसका इलाज नहीं हुआ कहीं नहीं, जब वो खत्म हुआ लड़का तब काटा ही से उसकी टांग, कीड़ा निकला वो डाला पर मरे का ही से, फिर चाय से मरे। दादी कीड़े भी चाय से मर जाते, इंसान का क्या हाल होता होगा। अरे ऐसा है ना बेटा, जो घुसते ना अंदर कीड़े में खोड़े चाय खत्म कर दिए बाहर निकल जाते हैं, समझे तुम। अच्छा, पर इंसान नहीं होता खत्म, कीड़े होते बस खत्म। इसलिए चाय पीना जरूरी है, इसलिए सिर्फ चाय पियो, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। सारा इलाज है इसमें। दादी MBBS कहाँ से करी थी, कहाँ से पढ़ाई करी डॉक्टरी की। मैंने डॉक्टरी तो हमने घर में ही की है सब कुछ। जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो इसको पता मेरी पोती को
दादी मैं भी था और डॉक्टर गुस्सा कर रहा था। हाँ, तो गुस्सा कर रहा था। यार मैं बताती हूँ, हाँ। डॉक्टर पूछे, हाँ जी माता जी बताओ आपको क्या परेशानी है। ऐसे एटीट्यूड में दादी। दादी मैं क्यों बताऊँ, फिर आप कहे के डॉक्टर है, आप बताओ आपको क्या परेशानी है। और क्या ऐसी होगी दादी, क्या बोल रहे हैं। गाँव की लाइफ का भी अपना ही मजा है। अभी हमने खाना खाया और दोबारा से खाने की टेंशन हो रही है, तो हम खेतों में जा रहे हैं देख रहे कि कौन सी सब्जी लेके आनी है। तुम्हारा मतलब है गाँव में सिर्फ खाने की टेंशन होती है? खाने की टेंशन नहीं, मेरा ये मतलब है कि गाँव में कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, कि गाँव में कोई टेंशन उठा सकती हूँ जी, बिल्कुल। चलो, हमारी मम्मी बहुत बिजी है वैसे, देखो हमें फोन आते नहीं है, मम्मी को फोन आए जा रहे। इसमें इतनी सारी सब्जियां थी, हरी सब्जियां, तो अभी जब हम शिमला गए इसमें घास काटने वाले थे, वो तो सब्जियां सारी कट चुकी है, मैंने देखी नहीं है। तो अभी यहाँ तो सिर्फ ये लाल बथुआ। तो इसका भी साग बनता है? हाँ, बनता तो क्यों, तो इसका बनाओ फिर। तो इसका भी रजत कोई हरी सब्जी नहीं छोड़ने वाला मम्मी। ए, हरी नहीं है तो लाल है रजत, हरी लाल पत्ता कुछ भी चलेगा मुझे, पत्ते फिर तो अखरोट के ले लो वहां से। अगर तो उसका साग बनता है तो वो भी खा लूंगा। सब कुछ खाना, पर शायद पर पालक हो, पालक ले ले। नहीं, पालक तो शहर में मिल जाता है, मम्मी इसका बनाओ। ए, अच्छा मम्मी भूल ही गया, ये रास्ता तो मुश्किल है मम्मी। मैं जाती हूँ, तो सही मैंने जूतियाँ पहनी है, आपका चप्पल। हाँ, आपका हाल तो मेरे से भी ऊपर का है, पर मैं दो एक्चुअली मैं जब से अमृतसर से आई हूँ ना, मैंने जूतियाँ तब से खोली नहीं है क्योंकि नई खरीदी थी। अच्छा, मतलब सोते हुए पहन के? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत बहुत पहनती हूँ इसे। मम्मी आप बताना, मैं ले आऊंगी। अच्छा, मैं तो वैसे भी नहीं उतर पाऊंगी ना। हाँ, रुको तो सही। संभाल के मम्मी, आप भी लाल दफा लग रहे हो। अब सर्दियों में ना वैसे भी सारे पत्ते ही सूख जाते हैं, बेचारे सारी सब्जियां सूख गई। ये तो रजत के लिए की जा रही है मेहनत, की रजत को हरी सब्जी खानी है। वो चाहे किसी भी पत्ते की, वो चाहे लाल पत्ते की, पर हरी होनी चाहिए सब्जी। तो सेब पत्ते उठा लेते नहीं, नहीं। के पत्ते। हरी सब्जी से मेरा मतलब है कि फ्रेश, ताजी, फ्रेश फ्रॉम द फार्म। ये तो हरे पत्ते सारे सूख गए, यहाँ कम है। बाहर देखते अगर पालक था वहाँ, अगर पालक होगा तो इसको पालक और इसको मिक्स करके बनाते। नहीं, इतना सॉफ्ट। मम्मी तो रहे छोटे छोटे और मैं बड़े पत्ते में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये होना। चल मैं बड़े ही तोड़ देती हूँ। हाँ, ये वाला तोड़ो, ये वाला। ये भी तोड़ूंगी। हाँ, ये वाला मुझे लगा जोर से तोड़ूंगी तो पूरा ही ना टूट जाए। बार बार लगता है ढल गया दिन, हो गई शाम, मम्मी भी ठीक, हो गया नैना का काम। हाँ, नहीं वो दिन आ गया ना कि एक शाम करते दूसरे दिन फिर भाग जाते। अच्छे, फिर बोलते खुशी कैसे मनानी भाई, कितनी अच्छी हुआ है खुशी मत होना, ठीक है। पर मुझे आज जाते वक्त बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, मैं इस बार बहुत खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कुछ दिनों वापस आना है। यस, ओके फादर, बाय। हमारा तो आना जाना चला ही रहता है। गॉड ब्लेस यू, बेटे टाइम से जाते हैं एंड वी आर हैप्पी टू नो तुम लोग आए। हैप्पी टू नो, आपको पता है कि ना आपके साथ रहे, नाउ वी आर फीलिंग वेरी डिलाइटेड। अच्छा जी, सर्दियों के लिए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ रहो तुम, अच्छी बात है। यहाँ तो काफी बर्फ गिरती है, शिमला से ज्यादा बर्फ। बर्फ गिरती है और पूरा एंजॉय लो ठंड का। ठंड क्या सी, मतलब एक बारी मैं थी यहाँ पे जब बर्फ गिरी थी, तो वो वाला ब्लॉग हम आपको यहाँ पे आई वीडियो के साथ लिंक कर देंगे। एक बात होगी, हाँ जी, जब बर्फ वाले दिन होगे तो मेरा ये वाला घर होगा। हाँ, लकड़ी वाला घर। हाँ, लकड़ी वाला घर तो बेस्ट है ना, ठंड का पता ही नहीं लगता है। पापा सर्दियों का वो इंतजाम कर रहे हैं वहाँ, वो बिजली का। पापा ये वही सामान है ना जिसके लिए चंडीगढ़ में भटकते थे? Exactly, वही सामान है बेटे, देखो कितना ब्यूटीफुल बन करके आ रहा है सामान। ठंड लग रही है, मम्मी शर्मा आ जाते हैं, पीडीए नहीं करना है मम्मी को, पीडीए। चलो 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 चलो, ओके बाय, धन्यवाद। ओहो, चली गई।
धन्यवाद करते बच्चों के लिए, बच्चे इतना बिजी होने के बावजूद भी। अच्छा आज रास्ते में भी हमारी यही बात लगी थी, क्या बात लगी थी कि भाई मतलब बुड्ढों की तो कोई केयर नहीं करता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, करते हैं। आज के बच्चे से आप 10 गुना परे को करो तो 100 गुना आगे को करते हैं, ऐसा नहीं है। इतना तो नहीं है, रो भी सकते हैं, चलना चाहिए। मैं बोलती तो हूँ वक्त से निकल जाओ, चलो चलो रुकना। मैं लियो को भाई बोलती हूँ, लियो लियो देखो 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 लियो, नो नो इसको पता चल गया, इसको पता चल गया। हाँ जी नो लियो लियो, दीदी ने व्हाइट पैंट पहना ना गंदा हो जाता। नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे, नो नो ये बोलता है मेरे का लंबा ब्लॉगिंग दे दे। ओए लियो कैसे भागता हुआ आ गया। ओहो चलो अब निकलते हैं, जाते जाते थोड़ा बुरा लगता है बट ठीक है यार, हम तो आते जाते रहते हैं। लियो लियो ओए नहीं पापा हमने तोड़े। oh, no! पापा ने पार्किंग कैसी बनाई जिसके पत्थर टूट जाते हैं, ये पार्किंग मार रहे हैं। ढोल ठीका मजाक बना रहे तुम्हारे सब मिलके। क्या तो आपने पत्थर लगाए हैं पर आपकी जवाई को पता ही नहीं कि पत्थर क्या चीज़ है। किस छत की स्लेट की छत? नहीं हमारे तो पत्थर ही है। नहीं पर देखो गाड़ी से तो नहीं, मेरी गाड़ी से तो एक भी नहीं टूटा, पहले टूटा होगा। मतलब ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं कि तुमने पत्थर तोड़ दिए। मेरे पे एक बार 5,000 का लगाया था पापा ने, वो दूसरी बार अभी सारी इल्जाम। चलो जा रहे बेटे, जा रहे बाय बाय लियो। कहाँ घूमे दादी की भी थोड़ी आज गले की बैंड तो बजी है दादी ने कहा दादी के लिए ना कल मैं खांसी की दवाई लेके आई। दादी बोलती ये दवाई क्यों लेके आई, मैंने कहा दादी ना क्यों से और बीमार पड़ गया। रायता खाया ना रायता। दादी इतने बिजी है, फोन आ गया दादी। ठीक है ठीक है दादी, ठीक है मम्मी आप भी जाओ, आप भी जाओ आराम से। चल 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 दीदी दीदी हेलो दादी। ओह माय गॉड पर जितने भी मम्मी के पाँव छुए बोलते मम्मी आपकी चप्पल तो बड़ी सुंदर है, मेरे साथ मैचिंग है। चलो जी 4 hours later। तो अभी हम शिमला वापस पहुंच गए हैं और रास्ते में हम कहीं नहीं रुके, मतलब हम लिटरली नॉन स्टॉप आए हैं। आज ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे का सफर था बट पता नहीं लगा, मतलब क्योंकि हमको यहाँ पहुँचने की एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट इसलिए थी बिकॉज ये था कि यार हम टाइम से पहुँच जाएंगे और टाइम से सोएंगे, और हम घर से ही खाना भी खाकर आ गए थे, मतलब कह लो अर्ली डिनर या बहुत ही अर्ली डिनर, बिकॉज 4 बजे खाया होगा हमने खाना, या लेट लंच भी कह सकते हैं। हाँ या लेट लंच कह सकते हैं बट आपको पता है मैं जब भी घर होता हूँ, मतलब या तो मेरे गाँव या नैना के गाँव, तो ओवर ईटिंग होना तो बहुत ही लाजमी है क्योंकि यार मम्मियों के हाथ का खाना, और ऊपर से मम्मी ने आज वो हरी वो सब्जियां बनाई थी, हम दिखा भी नहीं पाए बिकॉज इतने जल्दी जल्दी में किया, तो वो सब खाया तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था यही सोच के कि यार डिनर भी हो ही जाएगा, 4 बजे अब खाना खा रहे हैं तो। बट अभी हम बस रेस्ट करते हैं, अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 9:42, तो आई गेस ये बहुत ही बढ़िया टाइम है अभी सोने का, बिकॉज ट्रैवल करके आए थोड़े थक भी गए हैं तो अब सोते हैं। तो अभी हम सोचे अभी सो जाते हैं और आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे थकान का असर अब दिख रहा है मेरी बातों में भी, और नैना पीछे से बाय बाय कर दी है। सो आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।